गवर्नमेंट के प्राइवेट का सपोर्ट कर रहे, अंबानी का आदानी का सपोर्ट करे। बीएसएनएल में प्रमोशन बंद है, वेज हमारी बंद है, तो उसके लिए डिमांड है ये सब। बीएसएनएल यू की तरफ से एक ज्वाइंट कॉल है, जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव की एसोसिएशन है उनकी तरफ से एक ज्वाइंट कॉल है। बीएसएनएल के बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि पेंडिंग चल रहे हैं, ये जल्दी से मिले और 4G और 5G ये जल्दी से लॉन्च। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पे तमाम बीएसएनएल के एम्प्लॉय इकट्ठे हुए हैं, जहां आप भीड़ देख पा रहे होंगे। ये सभी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए यहां पे मौजूद लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे हो, ये प्रदर्शन किस बात को लेकर, किस मुद्दे को लेकर किया जा रहा है। सर स्वागत है, ये प्रदर्शन क्या आया? मैं बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन, सर हिंदी बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन जिला सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश आया मैं। हमारे धारणा है, सीएच को कॉल दिया, पेरिविजन का प्रमोशन पॉलिसी का 4G स्पेक्ट्रम 5G स्पेक्ट्रम देना, ये गवर्नमेंट देना नहीं। गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है 4G 5G? गवर्नमेंट के प्राइवेट का सपोर्ट कर, अंबानी का आदानी का सपोर्ट करे, बीएसएनएल का सपोर्ट गवर्नमेंट संस्था भी, गवर्नमेंट संस्था सपोर्ट कर रहा नहीं। 4G स्पेक्ट्रम 5G स्पेक्ट्रम देना नहीं, ये पेंशन विजन है 2017 देना नहीं, अभी दिया नहीं। एम्प्लॉयज़ का 80,000 मेंबर्स का वीआरएस को प्रकट शोभ खत्म हो गया, ये शोभ प्राइवेट का देता। थैंक यू। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पूरे इंडिया भर से लोग आए हुए हैं, अलग अलग भाषा से लोग आए हुए हैं, जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबकी मांगे वही है कि बीएसएनएल जो है वो 4G 5G नहीं दे रही है। सर क्या प्रदर्शन है, क्यों प्रदर्शन चल रहे हैं यहाँ पे, क्या बात? ये जो है बीएसएनएल यू की तरफ से एक ज्वाइंट कॉल है, जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव की एसोसिएशन है उनकी तरफ से एक ज्वाइंट कॉल है। बीएसएनएल के बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि पेंडिंग चल रहे हैं, जैसे कि हमारा वेज रिवीजन का है, जो हमारा पेमेंट है वो 2017 में रिवाइज होना चाहिए था, अभी 2023 आ गया, 6 साल हो गए, सरकार ने अभी तक वेज रिवीजन नहीं दिया बीएसएनएल को। उसके साथ साथ में जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं पिछले 4 साल से 4G चला रही हैं, सरकार हमें आज तक 4G नहीं दे रही है, और हमारा पैर तोड़ने का काम किया जा रहा है, हमें लंगड़ा बनाया जा रहा है। तो इस सब को लेकर हमारी अपनी भारत सरकार से मांग है कि जो बीएसएनएल है वो देश की कंपनी है और देश के लिए काम करती है, तो इसको जल्दी से जल्दी इसका नेटवर्क अपग्रेड किया जाए, और जो हमारी मांगे पेंडिंग है, हमारी प्रमोशन पॉलिसी जो अब तक रिवाइज नहीं हुई है। सरकार तो कहती है स्वदेशी का ज्ञान देते रहते हैं मोदी जी, स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करें, फिर स्वदेश के बीएसएनएल को क्यों नहीं दे रहे हैं 4G का है? देखिए, इस चीज के लिए तो सरकार को ही सोचना चाहिए ना कि देश की कंपनी कौन सी कंपनी है। बीएसएनएल देश की कंपनी है, अगर इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ से जो पैसा आता है, जो रिवेन्यू आता है, वो गवर्नमेंट के डेवलपमेंट काम में लगता है जो कि देश के काम आता है। इससे पहले भी बीएसएनएल ने लगभग 30,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को दिया है फॉर द डेवलपमेंट पर्पज, जब पहले बीएसएनएल फायदे में होती थी, रेवेन्यू कमाती थी। तो ये सरकार के लिए सोचने की बात है कि उनको इसको बढ़ावा देने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर बीएसएनएल आखिर सरकार नहीं दे रही है, लेकिन इसमें एम्प्लॉयज को क्या नुकसान है? इसमें एम्प्लॉयज को तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। एक तो क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट घाटे में चलता है, तो उससे क्या है, हमारा पेमेंट लेट होता है, जब डिपार्टमेंट के पास में रिवेन्यू नहीं रहेगा, उसके कारण हमारा जो वेज रिवीजन का मुद्दा है वो अटका हुआ है, इसी कारण से अटका हुआ है। अगर हमारे पास में नई टेक्नोलॉजी होगी तो हम लोगों को अच्छी सर्विस दे पाएंगे, इससे हमारे डिपार्टमेंट जो पहले सम्मान था वो सम्मान हमें दोबारा से मिलेगा। तो जैसा कि आपने सुना, ये बीएसएनएल के एम्प्लॉय हैं और ये बीएसएनएल के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? बस हम तो यही डिमांड है हमारी, भाई जल्दी से जल्दी थर्ड पीआरसी है ये जल्दी से मिले, और 4G और 5G ये जल्दी से लॉन्च हो ताकि हमें वो कर सके, और FTTH जो फाइबर कनेक्शन है जो बीएसएनएल के, उसके अंदर केबल होनी चाहिए जो कि प्राइवेट जियो के पास है, एयरटेल के पास है, तो हमें उसमें फाइबर में भी मुकाबला नहीं कर पा रहे, वो भी हमें देनी चाहिए, यही है। इसके अलावा और कोई मांग? और कुछ नहीं है भाई, यही मिले हमें, थर्ड पीआरसी जल्दी से मिले, 4G 5G मिले।
अच्छा, अभी सैलरी टाइम पे आती है? हाँ, सैलरी टाइम पे आ रही है अभी। तो फिर क्या दिक्कत है? सरकार नहीं दे रही है, वो सरकार की समस्या है, एम्प्लॉय को क्या प्रॉफिट में जाएगा, हमें अच्छा वेतन मिलेगा। हाँ, ये है। तो जैसा कि आपने सुना कि प्रॉफिट में जाएगा कंपनी, तो इनको अच्छा वेतन मिलेगा और एम्प्लॉयज को अच्छे वेतन मिलेंगे, तो ज़्यादातर एम्प्लॉय अपने कंपनी को बढ़ावा, कंपनी के नाम के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और 4G की डिमांड कर रहे हैं, 5G के लिए डिमांड कर रहे हैं, ताकि सरकार 4G 5G अलाउ करे, ताकि BSNL जो है, जो उसका नाम हो, ये और भी बेहतर सर्विस दे सके। कैमरामैन आशीष के साथ मैं ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।